जी, इतनी सर्दी में आप पंखा लगा के बैठी हुई हैं? क्यों, बार बार बर्फबारी हो रही है। हैं, बाहर स्नोफॉल हो रही है, बर्फबारी हो रही है, हमें ये किसी ने बताया ही नहीं। और फिर मुँह तेरा, मैंने तुझ पे तंज मारा है। माँ जी, तंज मारना अच्छी बात होती है। है फिर सगी माँ सगी औलाद पे जब तंज मारेगी ना, तो फिर माँ जी मुआशरे का क्या बनेगा। बेटे मुँह तेरा, मुझे गर्मी लग रही है, तू बकवास कर रहा है। माँ जी आपको गर्मी लग रही है ना, इसलिए मैं ठंडी जुगते मार रहा हूँ। ये स्वेटर तो उतार, तुझे स्वेटर में देख के ना मुझे मजीद गर्मी लग रही है। माँ जी आपको गर्मी लग रही है और मुझे सर्दी लग रही है, ये तो माँ जी खुला तजाद है ना। माँ जी देखे मेरी जुगते सुन के ना बाहर की कैंटी भी कह के लगाने लगी है। और जा जाके बाहर देख कौन आया है, और जाते हुए ना ये पंखा बंद कर देना। क्यों माँ जी, आपको सर्दी लग रही है? हाँ हाँ, तेरी ठंडी जुगते सुन के ना माहौल ठंडा हो गया। अच्छा माँ जी, मैं ए, ए, हुणे गया ते हुणे ही आया। आप भूल गए? अरे भूलता तो मैं आता कैसे। आप शायद ये भूल गए हैं कि माँ जी ने ना आपकी रज के बिस्ती की थी। अरे दामाद जी, मैं माजी में नहीं हाल में जिंदा रहता हूँ। माँ जी ने अगर देख लिया ना तो वो आपको हाल बेहाल कर देंगी, बल्कि आपका बुरा हाल कर देंगी। फिर आपका शुमार जिंदों में नहीं मुर्दों में होगा। अच्छा, आपके सर की कीमत ना माँ जी ने पूरे 2 लाख रुपए रखी है। बहुत ही कम कीमत लगाई है दुर्दाना पर मेरे सर की। मामू जी आप ना फौरन 9-2-11 हो जाए यहाँ से। क्यों? आप हमारे लिए ना कालादम तंजीम है, कालादम तंजीम बहन है आप, बहन हमारे लिए। देखो मियाँ, अगर मैं चला गया ना तो नुकसान तुम्हारा होगा। आप मेरा नुकसान करके जाएंगे? अरे पूरे 50 लाख रुपए का नुकसान होगा तुम्हारा। हाँ। आप मुझे बददुआ दे रहे हैं? ये देख रहे हो मेरे हाथ में क्या है? क्या ये बददुआ है? ये लिस्ट है, लिस्ट 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 के अंदर बददुआ है। ओ नहीं, ये बॉन्ड है और ये लिस्ट है। इस लिस्ट में जो दायरा देख रहे हो ना, ये नंबर निकला मेरा, पूरे 50 लाख रुपए का इनाम निकला मेरा। अरे 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 दामाद जी, इनाम तो आपका निकला, सानू की? मैं रातों रात अमीर बन गया हूँ। तो अरे दामाद जी, मैं इतनी बड़ी रकम का क्या करूंगा, मैं तो दरवेश आदमी हूँ, लंगर से 2 रोटी खा लेता हूँ। भाई ये रकम मैं तुम लोगों को देने आया हूँ। मामू जी, यहाँ मेरा वो रिएक्ट बनता था जो मैं पहले कर चुका हूँ। अच्छा भाई, मेरी नजर तुम पर है और मेरी इस बाउंड पर। मामू जी आप इतने दरवेश हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता। मामू जी आप हमें कई कई दिन अपनी शक्ल नहीं दिखाते। मामू जी हमसे क्या गलती हो गई, आप हमसे नाराज हैं? नहीं नहीं। मामू आप इधर क्यों खड़े हैं, अंदर आए ना। वो अंदर दुदाना पर है ना। आप उनकी टेंशन ना ले मामू जी, मैं ना माँ जी को संभाल लूंगा। भाई देखो मैं उनसे मिलने आया हूँ, लेकिन जब तक वो खुद नहीं कहेंगे ना तो मैं अंदर नहीं आऊंगा बस। ओहो, छी 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 छी, मामू जी ये क्या कर रहे हैं आप? एक लखपति आदमी इस तरह जमीन पे बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता। ड्राइंग रूम किस लिए बना हुआ है? किस लिए बना? मैं बताता हूँ किस लिए बना। उठे आप, मेरी प्यारी शिकुरता मैं आ गया। वो तो हम भी देख रहे हैं कि आप साबित सालिम आ गए, कब्बे की तरह चहक रहे हैं। शिकुरता बात ही ऐसी है, तुम भी सुनोगी ना तो तुम भी चहकने लगोगी। क्या बात है? बूझो तो जानू। कोई हिंट दे। पर यूं समझो, जो एक बहुत बड़े दरवेश हमारे घर में आए हैं ना, मैं ना उनका दामाद हूँ। कहीं आपने किसी दरवेश की बेटी से दूसरी शादी तो नहीं कर ली? शिकुरता अभी तो पहली शादी की है मैंने। तो क्या हम दूसरी है? नहीं तुम तीसरी हो। ऐसे मेरे मजाक किया, तुम्हारा रंग पीला हो गया। शिकुरता वो सियाने कहते हैं कि अहमक बनने के लिए ना एक ही शादी काफी होती है। मैंने डायलॉग रिपीट तो नहीं किया? जी नहीं, लेकिन आप जैसे अहमक 4-4 शादियां कर सकते हैं। गुड जोक शिकुता, तुम्हारा वो जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, क्या कहते हैं उसका, वो बड़ा बेहतरीन हो गया। अच्छा पहेलियां बुझवाते रहेंगे, बताएंगे कौन आया है? वो हम आए। मामू आपको इस तरह बगैर इत्तला के तो आना नहीं चाहिए था। प्यारी शिकुता, मामू सादा नहीं आए, 50 लाख रुपए की इत्तला लेके आए हैं। ये देखो बॉन्ड? नहीं ये सिर्फ बॉन्ड नहीं है, ये जेम्स बॉन्ड है। जेम्स, एक मिनट ठहरो शिकुता बेगम, एक मिनट ठहरो। 0000 by 0000। अरे भाई दामाद जी, 1 0 हटा दो, 5 के बाद 6 0 लगा लो, वो काफी है। मेरे अजीम मामू का पूरे 50 लाख रुपए का बॉन्ड निकला है। माँ जी को पता है अशरफ? बॉन्ड निकलने का? नहीं नहीं, मामू के यहाँ आने का। तुम माँ जी को बताओगी? क्या कि मामू का प्राइस बॉन्ड निकला है? नहीं नहीं, कि मामू यहाँ क्यों आए हैं? अरे क्यों आए हमें क्या पता, मामू ने 50 लाख रुपए मुझे देने आए हैं। मामू ने तो मुझसे वादा भी कर लिया। भाई मैंने वादा कब किया? मामू अभी तो आपने नीचे कहा था कि आपकी नजर मुझ पे है। ओ,
भाई, इसमें वादा कहाँ है? मुझे तो इसमें छुपा हुआ वादा ना साफ साफ नजर आ रहा है मामा। अरे भाई दामाद जी, ये रकम देने का हमने फैसला कर लिया है, अब ये रकम किसको देनी है ये फैसला अभी नहीं। अब पहला हफ्ता हमारा ही बनता है ना मामू। शगुफ्ता, तुम ही 50 लाख का क्या करोगी? शॉपिंग करेंगे। बस करें, बस करें नाटक, ये ढोंग बस करें, इनकी खिदमत करना आप लोग। अब आप दोनों हटिए यहाँ से, हटिए। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अब हमारी बारी है मामू की खिदमत करने की। भाई हमें भी तो मौका मिलना चाहिए ना प्यारे मामू जान की खिदमत करने का, या नहीं? ये सिर्फ हमारे मामू हैं। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि ये हमारे मामू हैं। हमारे से मतलब सिर्फ हम अकेले हैं। हम वाली औरत जरा पीछे हटिए, मामू के असल वारिस जो है ना वो आगा है, मेरे शौहर। वेरी गुड, वेरी गुड। और मैं इनकी बहू हूँ, समझे आप? अरे तुम बहू नहीं, बहू हो। देखा का तुम्हारी बहन का ना खून सफेद हो गया है, वो भी सिर्फ 50 लाख रुपए की खातिर। आपने मुझे भाई मानने से इनकार कर दिया सबके सामने, और आज मैं कैमरे के सामने आपको अपनी बहन मानने से इनकार करता हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने ये कह के इनसे। क्या खड़े खड़े मुंह देख रहे हैं? ये दोनों हमें मुसलसल बातें सुना रहे हैं और आप चुप खड़े। नहीं ऐसी बात नहीं है शिकस्ता, तुम इन दोनों पे भारी हो। कहीं आप हमारे वजन की बात तो नहीं कर रहे खुदा न खास्ता? नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये दोनों ना अभी भी एक गोल से आ रहे हैं। अच्छा तो लीजिए एक गोल और किए देते। अरे तू भाई नहीं कसाई है, कसाई। तू जैसा भाई होने से तो बेहतर था हम तन्हा होते। तू भाई के नाम पे कलंक का टीका है। शिकस्ता, ये कलंक का टीका कौन सी बीमारी में लगता है? ईमानदारी। बाजी खामोश। भाई अगर तुम लोग इस तरह लड़ते रहे ना तो मैं सचमुच चला जाऊंगा। चले माफ करना मामू जी, फिर आप बताए ना कि हम कैसे लड़े। मामू देखो देखो, आप लोगों ने मेरे ससुर को नाराज कर दिया है। मेरे मामू जी। तोबा, मामू आप ना हमसे एक वादा करें। क्या? कि ना आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। भाई मैं अपने ससुर को अब कहीं नहीं जाने दूंगी। शाबाश बेबी डार्लिंग, शाबाश, मैं तुमसे यही चाहता था। मैं बहुत गुनाहगार हूँ आगा, अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ससुर की खिदमत करके ना जन्नत कमाऊँ। भाई सच्ची बात तो ये है कि तुम सभी मेरे सब कुछ हो। अरे आपने इस बात से ना हम दोनों को खुश कर दिया। मामू अब हमारी बारी है, तुम ओवर एक्टिंग बंद करो, अब हम आपको खुश करेंगे। अच्छा मामू छोड़िए, आप ये बताइए कि आप लंच में क्या खाना पसंद फरमाएंगे? भाई कुछ भी पका लो। शगुफ्ता फ्रिज में जो कुछ पड़ा हुआ है ना सारा पका लो, उसमें से मामू कुछ भी खा लेंगे। ठीक। अरे ये क्या फजूल सी बातें हो रही है आगा, तुम जाके मामू जान के लिए किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से खाना लेकर आओ। ओह माय गुडनेस, ये बेबी डार्लिंग तुम्हारी और मेरी सोच कितनी मिलती जुलती है। अभी मैं यही सोच रहा था कि मामू के लिए किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से कुछ खाने को लेकर आऊं। नहीं नहीं भाई, वो बाहर के होटल का खाना खा के ना मुझे बदहजमी हो जाती है। मैं समझ गया, अब ये जो खालिस गजाएं होती है ना उनकी मामू को आदत नहीं रही। वेरी गुड, कच्ची होगी आगा की। दामाजी आपने मेरा वो वाला काम करना है। वो वाला काम तो मामू समझे हो गया। भाई शगुफ्ता अब तुम मेरे लिए खाना बनाओ, ठीक है ना? अब तुम दोनों अपने काम पे जाओ। चलो चलो अपने अपने काम पे चले। मामू अब वो वाला काम मुझे भी तो कह सकते थे, अब असल बेटा तो मैं हूँ ना आपका। दामाद भी तो बेटा ही होता है ना। देखा 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 बेबी डार्लिंग, ये मामू ने जो अभी अकवाले जरी पढ़ी है ना, तुमने यही माजी को जाके सुनानी है। क्या? कि दामाद जो होता है बेटा होता है बेटा। एक मिनट, तुम दामाद नहीं हो बल्कि तुम तो घर दामाद हो। सुन लिया मामू, अब तो खुश हो गए आप, अब आपको पता चल गया कि 50 लाख का असल हकदार कौन है। भाई तुम मैं माजी आपका मेरी कसम है, आप कहें कि मैंने तुम्हें माफ किया। क्यों, तूने ऐसा क्या कर दिया कि मैं तुझे माफ करूं? माजी अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन हो सकता है मैं मुस्तकबिल में ऐसा कुछ कर दूं। ठीक है मैंने तुझे माफ किया बस। माजी अब ना आप मेरी प्यारी शगुफ्ता को भी माफ कर दें। कर दिया। अब माजी लगे हाथ ना आप बेबी को भी माफ कर दें। वो भी कर दिया। चले माजी कोई बात नहीं, आप ना मिस्टर फ्रॉडियो को भी माफ कर दें। ओ फिरे मुंह तेरा। कर दिया ना माजी। चल तू कह रहा है ना तो मैंने मिस्टर फ्रॉडियो को भी माफ किया, तू भी क्या याद करेगा कि किस हातमताई से पाला पड़ा है तेरा। माजी आप हातम की ताई है। फिरे मुंह तेरा। माजी आप खुद ही तो कहती होती हैं एक मुसलमान को ना दूसरे मुसलमान से 2 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। हाँ कहती हूँ। फिर माजी आप ना मामू का माफ कर दें। तू बट से कोई गलती हो गई है। मैं बट मामू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ना नवाब मामू की बात कर रहा हूँ, आप उन्हें माफ कर दें। फटे पुत तेरा, वो तूने किस अब्दीज का नाम ले लिया? मैं सबको माफ कर सकती हूँ पर उसे माफ नहीं कर सकती। माजी अगर वो आपके दोनों पैर पकड़ के आपसे सॉरी करें तो फिर भी माफ नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, किसी कीमत पे भी नहीं माफ करूंगी उसे। 50 लाख पे भी माफ नहीं करेंगी। निकल यहाँ से बाहर, उस हबीज का नाम सुन के ना मेरा बीपी हाई हो जाता है। मैं माजी मैं रुड़ेंगे तो फिर मैं उधर ही रह गया।
प्यारी शगुफ्ता, प्यारी शगुफ्ता, आपने माँ जी से बात की? हाँ शगुफ्ता, माँ जी ना मामू का नाम सुनना भी गवारा नहीं कर रही। अरे आपको मामू का नाम लेने की क्या जरूरत थी, समझाया तो था आपको। क्या? यही कि माँ जी से घुमा फिरा के बात करनी है, लेकिन कहा बीवी की बात मानना तो गुनाह है। शगुफ्ता मैंने माँ जी से घुमा फिरा के बात की थी। अरे हमसे तो बड़ा घुमा फिरा के बात करते हैं, कहाँ जाती है आपकी चालाकियाँ माँ जी के सामने। आपसे चालाक तो वो सूखी सड़ी भिंडी निकली है। शगुफ्ता मैं माँ जी की बात करता हूँ, तुम ना बेबी को पकड़ के सीट के शामिल कर लेती हो। हाँ इसलिए कि अगर बेबी ने माँ जी को कन्विंस कर लिया तो जानते हैं क्या होगा। क्या होगा? सारा पैसा मिस्टर फ्रॉडिया को चला जाएगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लीजिए, मगर कहाँ, इसलिए कि सोचने के लिए तो अकल चाहिए होती है। वो मेरे पास है नहीं। तुम्हारा अगला जुमला यही होना था। जब अकल बट रही थी ना, न जाने आप कहाँ थे, लगता छन्नी लेके खड़े हुए थे सामने। फिर लोगों ने मुझे धक्के मार के ना पीछे कर दिया था। शगुफ्ता ये क्या कह गई? तू रास्ता दे हमें। मैं आखिरी स्टेप पे खड़ी हूँ, मुझे ऑल द वे ऊपर जाना पड़ेगा आपको रास्ता देने के चक्रों में। हम पहले स्टेप पे खड़े हैं, हमें ऊपर जाना है, हट वापस। आप मुझे रास्ता क्यों नहीं दे रही? इसलिए कि हम बड़ी हैं। ओह आई सी, आप सिर्फ बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी हैं। अच्छा ये बता रास्ता क्यों चाहिए तुझे? मुझे माँ जी के पास जाना है इसलिए चाहिए। तुझे माँ जी के पास जाने से पहले हमारी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। भाभी आप मुझे माँ जी के पास जाने से ना नहीं रोक सकती। ट्रैफिक जैम, चिंकी के आगे ट्रॉलर। चिंकी? ये तुमने चिंची किसको कहा? वो बेबी डार्लिंग, तुम्हें मैं तुम्हें चिंची नजर आती हूँ। हाँ। अच्छा तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले तुम्हारे लाडले ट्रॉलर से तो निपट लूं मैं। तुझे हम ट्रॉलर लगते हैं, तुझसे तो हम बाद में निपटेंगे, पहले इस चिंची से तो निमट ले। ट्रॉलर चिंची। बाजी रास्ता दे वरना। वरना क्या? मैं ना कुछ भी नहीं, मैं बेबी डार्लिंग को लेकर ऊपर चला जाऊँ। आज चलो, आज तो बदतमीज बात। जस्ट शट अप। अरे आ जा ना, नहीं मुंह लगा उनको। आज वैसे एक बात तो क्लियर है कि तुम लोगों की तरबियत में कोई कमी रह गई है। जी भाई कितनी देर से मेहमान आया हुआ है, ना कोई चाय है ना पानी, कुछ तो पूछो। बेबी डार्लिंग जल्दी से नीचे जाओ और मामू के लिए ना एक मजेदार सी दूध पत्ती मलाई मार के चाय लेकर आओ। कहाँ से मलाई मार के दूध पत्ती लाऊं, तुम्हारी मोटी बहन ना मुझे किचन में नहीं घुसने दे रही। ऐसा करता हूँ मैं खुद ही होटल से पीकर आया हूँ। आगा 100 रुपए दे। नहीं तू 100 रुपए देने से इनकार कर रहा है। मामू मैं ना आपको जाने नहीं दूंगा। क्यों नहीं जाने देगा भाई? वो ना माँ जी लॉन में बैठे हुए धूप खा रही, धूप। ओ अच्छा, मैं काम करता हूँ ना, मैं आपके लिए नीचे से कुछ लेकर आता हूँ। कुछ क्या? फ्रिज में से पानी की ठंडी बोतल तो आई जाएगी ना। अच्छा फ्रिज से लाएगा तो उसमें फल फ्रूट भी पड़े होंगे, तो ऐसा कर फल फ्रूट भी ले आइए। माजी आप, तूने अब फ्रिज में से भी चोरी करनी शुरू कर दी है। मैं भी कहूँ रोज मेरा फ्रूट किधर जाता है, मैंने तुझे आज रंगे हाथ पकड़ लिया है। नहीं नहीं ये तो ना मैं नवाब मामू के लिए लेके जा रहा था। किसके लिए लेके जा रहा है? नहीं नहीं मैंने ये थोड़ी कहा कि मैं नवाब मामू के लिए लेके जा रहा हूँ। अरे मैं तो ना नवाब नौशीन डार्लिंग के लिए लेके जा रहा हूँ, आप फोन करके पूछ ले। क्यों मैं ऊपर नहीं जा सकती? ना ना माजी आप ऊपर थोड़ी जा सकती हैं अभी। तू मुझे चैलेंज कर रहा है? नहीं नहीं माजी मेरा कहने का मतलब है कि आप अभी कैसे जा सकती हैं ऊपर है? अभी आप माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, तबीयत सेट है आपकी। फल अंदर रख और ये पानी भी, और जो वो जेब में पड़े वो क्या और रख अंदर। अच्छा ये अब तू अपनी शक्ल गायब कर, आज के बाद तूने अगर इस फ्रिज को हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है माजी, फिर एक काम करें आप मुझे ना खुद अपने हाथों से निकाल के दे दीजिए नौशीन के लिए। नौशीन से कहना अगर उसको कोई चीज की जरूरत है ना तो खुद आके ले ले। जी माजी और कोई हुक्म? दफा यहाँ से। ब्रेक नहीं लगी माजी, मैं अब एक हरकत करने लगा हूँ, आपने चुप रहना, चुप बिल्कुल चुप। जो भी हरकत करनी है ना जाके बाहर कर। नहीं माजी वो वाली हरकत नहीं, बस आप आ करें आ आ। ये ले पकड़े गोली। वो ये काहे की गोली है? ये बीपी की गोली है माजी, खा ले। वो तो मैंने सुबह ही ले ली थी माजी। अब जो हरकत होने वाली है ना उसके लिए तो 3-4 गोलियां भी कम है। ये ले, ये पानी पिए, पानी पिए। अब उठ जाए माजी, उठे।
फुट जाए। अपनी प्रॉप्स ले ले माँ जी। अंडा अपनी प्रॉप्स ले। मेरी जूती दे मुझे। आजे माँ जी आजे। एक ये पढ़ लीजिए आगे पढ़ लीजिए। आए माँ जी आजे। आंखों पे हाथ रखो। खोले हाँ। उस वक्त आपने आंखें खोलनी है। अच्छा ठीक है। ए वन टू थ्री आंखें खोले। बाजी मैं आपको कुछ देने आया हूँ। मेरा ना 50 लाख का बॉन्ड निकला है और ये 3 दिन बाद कैश होगा तो मैं आपको कैश ही दे दूंगा। मुझे क्यों दोगे? बाजी आप शगुफ्ता की सास है ना और सास माँ के बराबर होती है। शगुफ्ता की जो माँ थी ना वो मेरी बाजी थी। इसी तरह आप भी मेरी बाजी है और ये रकम मैं आपको दूंगा। तुम मुझे बाजी कह रहे हैं? मैं भी अब तुझे सगी बहन बनकर दिखाऊंगी। ओ बेगैतर अंदर आ जाओ। जीमा जी आज से मेरे 2 सगे भाई हैं। 2 सगे और जवान भाई? एक तो हो गए बट मामू माँ जी, दूसरे क्या हमारे मामू? हाँ आज से नवाब हमारे साथ रहेगा। ये तो चमत्कार हो गया माँ जी। बाजी आपने मुझे माफ कर दिया ना? मामू जी माँ जी ने ना सिर्फ आके माफ कर दिया बल्कि उन्होंने यहाँ रहने का आपको वीजा भी इशू कर दिया। वाह जी वाह। वैसे मैं एक बात बोलूं, पैसे में ना बहुत ताकत होती है, बड़े बड़े मुजरिमों को ना मासूम बना देता है वो। एक बात कान खोल के सुन ले आगा, अगर आज के बाद तूने ऐसी वैसी हरकत की ना तो तेरी खाल खींच कर ना तबला बना दूंगा, समझे? शाबाश, अब अपने मामू की खिदमत करो, खिलाओ पिलाओ इन्हें कुछ। माँ जी आप कहे तो हम डांस पार्टी अरेंज कर ले। ए, बस ठीक है माँ जी, उस पार्टी में ना आप अपने भाईजान का ना राखी बांध देना। खड़े मुंह तेरा। चलो भाई तुम लोग पार्टी की तैयारी करो। देखो ना आगे रंग में भंग डालने। मैं देखता हूँ, तुम चलो पार्टी की। चलो 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 भागो। चले हम भी चलते देखते हैं। नवाब यही पर है? तुझे बनाया बनाया नवाब नजर नहीं आ रहा। दादा फ्री बताओ, ये बताओ नवाब है? ओए नवाब है ये कभी नहीं कहना, कहना है किबला नवाब साहब हैं। हाँ हाँ वही, बुलाओ नवाब को। मामूजी मामूजी आपके कोई आप ही की शक्ल जैसे दोस्त आए हैं। इंस्पेक्टर साहब यही है वो चोर, इसको मैंने अपने घर पे काम पे रखा, मेरा प्राइज बॉन्ड चोरी करके भाग गया। एहसान फरामोश निकाल प्राइज बॉन्ड। मामूजी आपका टेस्ट कितना बुरा है, आप इसके घर में काम करने के लिए रह गए। ये लीजिए अपनी अमानत और इस फ्रॉडिये को ना उम्र कैद होनी चाहिए। माँ जी। हाँ जी। इससे पहले कोई हसीन खूबसूरत नौजवान देखा नहीं तुमने? आप वो ये ना। शक्ल से क्या लगता है? और 50-50 यानी कि आधा मर्द और आधा है? नहीं नहीं वो 50-50 के स्माइल तारा। हाँ मैं वही स्माइल तारा हूँ। बड़ी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे नहीं हुई। आप मजाक कर रहे हैं ना? आप मजाक कर रहे हैं। तू मेरा साला है? नहीं तो फिर तुझसे मजाक क्यों करूंगा मैं? क्या है ना कि आप लोग हंसी मजाक के वो रोल करते हैं, इस वजह से। तो तेरा क्या ख्याल है, हम हर वक्त मजाक ही करते रहते हैं ना? शाबाश। ये देख आंसू निकल रहे। एक काम करे, मुझे हंसाए, मुझे हंसाए। तू तो रो रहा है, रो रहा है। फिर हंसाए, फिर हंसाए। अबे तुझे हंसाऊं तू अकबर बादशाह है? लख लानत तेरे पे। थैंक यू तारा साहब, आपने मेरी फरमाइश पूरी कर दी। बात सुन भाई। जी जी बोले। जल्दी से अशरफ खान को भेज। अशरफ खान? क्या हो गया तारा भाई, आप गलत लोकेशन पर आ गए। अबे मैं सही लोकेशन पे आया हूँ, डुगडुगी हाउस यही है ना? जी बिल्कुल यही है। तू डुगडुगी हाउस में मिस्टर फ्रॉडी के नाम से मशहूर है ना? अरे आप तो बिल्कुल सही लोकेशन पर आए। अशरफ भट्ट यही रहता है? हाँ जी 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 रहते हैं, रहते। उसी से मिलने आया हूँ मैं। क्या काम क्या है यार, ज्यादा ड्रैग मत कर, बुलाओ उनको।
मैंने उनको वो क्या वो मैनेजर। अबे तू साला है, मैं इस दुगदुगी के पूरी फैमिली को जानता हूँ, राणा ने मुझे सब बता दिया। क्यों साला मैनेजर नहीं हो सकता क्या? सारे मैनेजर किसी ना किसी के साले ही होते हैं यार। कौन है? आप इस्माइल तारा हो ना? नहीं, इस्माइल तारा का डुप्लीकेट हूँ। वैसे ना तारा साहब आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं। अरे मैं तो बचपन में ना इनका ड्रामा 50-50 देखती थी। यानी कि 50-50 देख के आप बालिग हुई और तन्हाइयों की वजह से आप बूढ़ी हो गई है ना? आप अंदर आइए ना। कैसे आऊं? इस बुलडोजर को तो हटाओ यहाँ से। लगता है कि आप लोग हंसते हंसते इस दुनिया से ही निकल जाएंगे। आप आइए ना अंदर, चलिए ड्राइंग रूम में बैठते हैं। आइए आइए आइए। कंफर्म कंफर्म प्लीज प्लीज प्लीज। लो आप यहाँ पड़े हुए भाईजान, और मैं आपको सारे घर में ढूंढ रहा हूँ। और मैं गवाच गया था जो तू मुझे ढूंढता फिर रहा था। भाईजान आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? हाँ। और तेरा प्राइस बॉन्ड निकला है? और नहीं नहीं, प्राइस बॉन्ड तो आपका निकला है भाईजान। ओए प्राइस बॉन्ड मेरा निकला है तो तेनू की, तू क्यों खुश हो रहा है? वाह भाई वाह, मैं आपका साला हूँ ना तो खुश तो होऊंगा। ओए मैं तेरी सारी खुशी में ना एक लोटा पानी डाल दूंगा। और तेरी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैंने तो कभी प्राइज बॉन्ड लिया ही नहीं, तो खुलेगा कहाँ से? भाईजान एक बात बताइए, आपको 50-50 याद है ना? नहीं नहीं आगा, मुझे तो बस नॉटी फोर्टी याद है। और वैसे भी मैं ना 40s नॉटी हूँ जी, मैं ना पूरा 40 का हो गया हूँ। भाईजान आपको वो इस्माइल तारा साहब याद है? ओए बात सुन, क्या हुआ इस्माइल तारा को? वो ना आपसे मिलने आए। एक मिनट कोई ऐसी जलील हरकत की होगी कि वो तुम्हारी शिकायत लेके आए होंगे। अरे नहीं भाईजान, उनको तो आपसे काम है। मुझसे क्या काम है? मैंने पूछा था उनसे तो उन्होंने कहा कि मैं काम ना मैं सिर्फ आप ही को बताऊंगा। वैसे भाईजान एक बात तो बताइए, क्या काम है उनको आपसे? ओए कटिया इंसान, मैं अपनी मार्केट वैल्यू ना खराब नहीं करना चाहता। अरे भाई मैंने उनको कह दिया कि मैं आपका मैनेजर हूँ। देखिए आप मुझे इज्जत देंगे ना तो अल्लाह ताला आपको इज्जत देंगे। आमीन आमीन। चल आ फिर आ जा। ए सन बात भी नहीं तूने लेने दिया मुझे। आ जा। आपको पता है हमारे घर कौन आया है? पता है, इस्माइल तारा भाई आए हैं। वो आपके भाई हैं? अरे पागल, अशरफ के अलावा दुनिया के सारे मर्द हमारे भाई हैं। वैसे भाभी आपको किसने बताया कि इस्माइल तारा साहब आए हैं? न्यूज वाले कभी जराए नहीं बताते, पर हम फिर भी तुझे बता देते हैं। आगा शिराज ने बताया है। उस झूठे ने आके मुझसे कहा कि ये बात मैंने सिर्फ और सिर्फ बेबी डार्लिंग तुमको बताई है सबसे पहले। वो हमारा खून है, हर बात तुझसे पहले हमें बताता है। उससे तुम्हें मेहमानों की जाने की बात निपटूंगी। कुछ कहा तुमने? हाँ मैं ये पूछ रही थी कि आप इतना तैयार क्यों हो रही हैं? इस्माइल तारा भाई के लिए। क्यों? अरे जब हम उन्हें देखेंगे तो वो भी तो हमें देखेंगे ना। ओह मैं तो भूल ही गई। यही कि जब हम उन्हें देखेंगे तो वो भी हमें देखेंगे। मेकअप करना भूल गई भाभी। अरे तो फिक्र की क्या बात है, चलो हम तेरा मेकअप किए देते हैं। नो थैंक यू, मुझे आप माफी कीजिए। चल इस्माइल तारा भाई के आने की खुशी में तुझे माफ किया। वैसे भाभी माइंड ना करना, मेकअप के बहाने ना पहले भी आपने दो दफा मेरा बड़ा ही गंदा मेकअप किया है। तेरी शक्ल ही ऐसी है, वैसे भी तो हम पे इल्जाम लगा रही। भाभी मैं इल्जाम नहीं लगा रही, आप जानबूझ के मेरा मेकअप खराब करती है। सूखी सड़ी भिंडी की जैसी शक्ल है ना वैसा ही मेकअप होगा। आपने मुझे सूखी सड़ी भिंडी बोला? हाँ हाँ 100 दफा कहेंगे। और आप भी जो कुछ मर्जी पहन लो, एक मन की घिया लगती हो। तू सूखी सड़ी भिंडी, आप मन भर की घिया। चल दफा हो जाओ हमारे कमरे से। अच्छा मैं दफा हो जाऊँ? आप एक मिनट रुकिए तो सही, भाईजान से आपकी शिकायत लगाऊंगी और आपको इस घर से हमेशा के लिए दफा करूंगी। कुटनी डाइन भूतनी चुड़ैल सब कदम पिछल पैरी, तू अजाब है अजाब। अपनी जबान तो देखिए आप, गंधक का तेजाब है वो। तारा साहब वो भाईजान को ढूंढने में ना थोड़ी सी देर हो गई ना, तो बस वो तैयार होके आ रहे हैं। आप बोर तो नहीं हो रहे ना? अरे नहीं भाई, मैं दो खवातीन की प्यारी प्यारी बातें सुन रहा था। वो उन दोनों की? हाँ वो उनमें से मेरी एक बीवी है और एक मेरी बहन है, तो तू मैं हो रही है। मैं बड़ा एंजॉय किया क्योंकि मेरे घर से माहौल चल रहा है। तारा भाई इजाजत है? हाँ चल जा। अबे ये क्या हरकत की तूने? तारा भाई मैं आपसे ना आशीर्वाद ले रहा था क्योंकि आप बड़े हैं ना। बैठो। अच्छा बैठ जा, तू भी एडजस्ट हो जा। भाईजान जो है ना
फिल्में और ड्रामे बहुत शौक से देखते हैं। आजकल ना मैं तुर्की के ड्रामे देखता हूँ। यार मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तारा साहब इन बातों को छोड़े ना, काम की बात करें। हाँ यार अशरफ खान। तारा भाई आपका ना गलतफहमी हो गई है। यार अभी बात मैंने शुरू नहीं की और तुम कह रहे हो गलतफहमी हो गई है। मैं अशरफ खान नहीं, अशरफ बट हूँ। तेरी शक्ल अशरफ खान से मिलती है ना? 100% मिलती है। अबे तू तो चुप कर, तेरी गवाही कौन कबूल कर रहा? करवा ली ना तुमने अपनी बिस्ती, तुम्हें बड़ा शौक है तुम छल्ला बनने का है। देख अशरफ हम दोबारा 50-50 शुरू कर रहे हैं। तारा भाई आपको ना 50-50 नहीं, अब अपने आप को देखते हुए ना 60-60 शुरू करना चाहिए। भाई जान वो प्रोग्राम 50-50 की बात कर रहे हैं। अच्छा तो तारा भाई बिस्मिल्लाह करें। यार अशरफ खान कहीं खो गया, सुना है जंगलों की तरफ निकल गया। आप मेरे पास आए हैं कि मैं अशरफ खान को ढूंढूं? नहीं, अशरफ खान की जगह अब अशरफ बट काम करेगा। क्या? एक बार फिर कहिए। पहले मैंने फ्रेंच बोली थी। नहीं वो मेरा कहने का मतलब था कि अबे चुप कर, अब अशरफ खान की जगह अशरफ बट एक्टिंग करेगा। मैं तारा भाई? हाँ तू, तू ही अशरफ बट है। पर मुझे तो एक्टिंग नहीं आती। तो मुझे कौन सी आती है? नहीं तो फिर एक काम करे, मैं सिखा देता हूँ आप दोनों को। भाभी प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, मुझे नीचे जाने दे। पहले हम नीचे जाएंगे। पहले मैं जाऊंगी। पहले हम नीचे जाएंगे। क्यों? आपकी खुशी में पहले जाएंगी? अरे अपने कमरे से पहले हम निकले थे इसलिए। ओ गॉड, आपसे पहले सीढ़ियों पे मैं खड़ी थी। शर्म कर शर्म, इतने बड़े सितारे इस्माइल तारा भाई हमारे घर आए, तू जाहिलों की तरह हमसे लड़ रही है? मैं नहीं लड़ रही, जाहिलों की तरह आप मुझसे लड़ रही है। अरे पहले हम जाएंगे, आप किस खुशी में जाएंगे नीचे? अच्छा तो तू अब हमें एक्टिंग सिखाएगा? आप लोग मेरी बातों पे मत जाइए, मेरा कॉन्फिडेंस चेक कीजिए। हाँ इस कॉन्फिडेंस की वजह से तुम डायरेक्टर भी हो सकते हो। हैं? थैंक यू तारा भाई। अब तू चुप कर जा और मॉनिटर के आगे बैठ जा, चल। हाँ ओके ओके तारा भाई। देख अशरफ मैं तुझे रातों रात हीरो बना दूंगा। हीरो? हाँ, फिर पूरी दुनिया में अशरफ खान की तूती बोलेगी। क्या? मैं अशरफ खान की तूती हूँ, मैं अशरफ खान की तूती। फिर क्या होगा तारा भाई? अबे टीवी इंडस्ट्री के हाथ के तोते उड़ जाएंगे। क्यों? आपकी तूती को पटाने के लिए। भाई कॉमेडी की टाइमिंग तो तेरी बहुत अच्छी है। इंसान तारा भाई ये बहुत कटिया है। हाँ तुम हर एक में अपने आप को देखते हो अशरफ भट्ट है। अच्छा अब क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? तारा भाई मुझे सचमुच एक्टिंग नहीं आती। अबे पता है इसीलिए तो तुझे हीरो कास्ट कर रहे हैं। जी भाई, हीरो का एक्टिंग से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता। एक दफा तू स्क्रीन पे आ गया ना, करोड़ों में खेलेगा, करोड़ों में। देख ले हुमायूं सईद को, सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलेगी तुझे। तारा भाई मेरा सर कौन खुजाएगा? मैनेजर? हाँ हाँ मैं खुजा दूंगा भाई जान। अशरफ खान हम दोनों की जोड़ी धूम मचाएगी, धूम, इनकलाब आ जाएगा। कब? बस समझ लो पिशावर में ट्रेन पे बैठ गया। गुलहान? अबे इनकलाब यार, भाभी से मशवरा कर जाके। भाभी से? तारा भाई आप अपनी वाइफ को साथ ले आए हुए? अरे भाई शगुफ्ता भाभी से मशवरा कर लो। सॉरी मैं ये नहीं कर सकता। तो मैं कर देता हूँ। मैं ना इनको समझा समझा के थक गया, ये नहीं मान रहे। अशरफ मान जाइए ना, देखिए हम आपके स्टार बनने के हवाले से कई सपने बुन चुके हैं। जरा सोचिए आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे और सब्जी वाला ना आपकी वजह से हमें सब्जी भी फ्री में देगा। हाँ। ये जो सेलिब्रिटी होते हैं ये सब्जियों की पेमेंट नहीं करते भाईजान। जब आप स्टार बन जाएंगे तो आपकी बहन को आप पे गर्व होगा ना? अभी तो मैं भाई का गर्व नहीं है। अरे नहीं ना भाईजान, अशरफ खान की तो बात ही कुछ और है। मैं अशरफ बट हूँ, मैं अशरफ बट ही रहूंगा। मैंने ना अपनी शिनाख्त खराब नहीं करनी। अशरफ आपने अगर 50-50 ना किया तो हम आपको आग कर देंगे। बाजी ये तो माजी का डायलॉग है। तो हमने माजी की तरफ से ही बोला है ना? भाईजान मैं तो आपको बड़ा बहादुर आदमी समझता था, लेकिन आप तो बुजदिल निकले। मैं बुजदिल नहीं हूँ। आप कैमरे से डरते इसलिए ना कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे आगा। हाँ 200% ठीक कहा है इसने। बुजदिल कैमरा शाय। मैं नहीं कैमरे से डरता, मैं ना शेरनी की आंख में आंख डाल के आई लव यू कह सकता हूँ। बशर्ते कि शेरनी पिंजरे की दूसरी तरफ हो। आगा जाके इस्माइल तारा भाई से माजरत कर ले और ये जरूर कहना कि क्या कि अशरफ बट दुनिया के बुजदिल तरीन बट हैं। बट कभी बुजदिल नहीं होते। हम तो आपको बहादुर तब मानेंगे अशरफ जब आप हाँ बोलेंगे। हाँ। नहीं, 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 नहीं। मैं माँ जी की मर्जी के बगैर ना कोई काम नहीं कर सकता। ये माँ जी कहाँ से आ गई? माँ जी ड्रामे तो शौक से देखती है और माँ जी को ना फिल्म की लाइन पसंद नहीं है। मुझे पक्का पता है माँ जी बिल्कुल नहीं मानेंगी। भाईजान ये आप ना ऐसी बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं। हाँ अरे हमसे भी गोल गोल बातें करते हैं हमेशा। भाईजान आप फौरन जाके माँ जी से मशवरा कर लें। मुझे पता है, मुझे पक्का पता है माँ जी ने ना मना कर देना। जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। उतने लोगों को उठाना ना आपका काम है। है माँ जी आपका तो फिल्म लाइन पसंद ही नहीं थी। अरे फिल्म लाइन की और बात है, टीवी लाइन की और बात है। टीवी जो है ना वो सुरफा का काम है।
और फिल्म? वो उमरा और शुरफा का काम है। अच्छा माँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी तरफ से इजाजत है? बिस्मिल्लाह पुत्र। माँ जी, मुझे तो एक्टिंग बिल्कुल ही नहीं आती। एक्टिंग तो तेरे खून में है पुत्र। खून में? माँ जी, मेरे अंदर एक्टर का खून है। नहीं, एक्ट्रेस का खून है, तेरी माँ जी का। माँ जी, आप एक्ट्रेस थी? हाँ, स्कूल में दो दफा मजनू बनी थी मुझे लगा के। और एक दफा कैदो भी बनी थी। वेरी गुड माँ जी, वेरी गुड। बिस्मिल्लाह कर पुत्र, मेरी दुआएं तेरे नाल ने। माँ की दुआ जन्नत की हवा। हाँ। माँ जी, अगर उधर मेरा किसी कुड़ी पे, मेरा मतलब है, साथ काम करते है ना, तो मेरा दिल आ गया फिर। खड़ा पुत्र तेरा, तेरे जैसी कटिया सोच वाले लोगों की वजह से ना ये लाइन बदनाम है। बस माँ जी बस, अब आपका पुत्र अशरफ भट्ट ना आपको अशरफ खान बन के दिखाएगा और मैं डुपर सुपर अशरफ खान बन के आपके सामने आएंगे। वे हड़े गया थे, मैं डुपर सुपर बन के उतर ही किधर रहा। तारा भाई, मुझे ना आपकी बातों पे यकीन है। यकीन तो करना पड़ेगा ना, बाकी और भी तरीके हैं मेरे पास। वो और बात है कि मेरी बीवी मेरी बातों पे यकीन नहीं करती। आप भी तो भाभी से कहते होंगे ना कि साले बड़े बोलते हैं भाई। यार अशरफ खान, तुम्हारे कोई सूर्य में देख के मेरे जहन में एक आइडिया सा आ रहा है। देखा, इसे कहते हैं क्रिएटिव मैन। देख भाई अशरफ, सबसे पहले तुम्हारे काले चश्मे का क्लोज आएगा, इसके बाद हम थोड़ा टिल डाउन करेंगे तुम्हारे मूंछों का क्लोज, फिर थोड़ा नीचे जाएंगे तुम्हारे होठ का क्लोज, इसके बाद आस्ते आस्ते नीचे चले जाएंगे तो फिर तुम्हारे टिट का क्लोज, फ्रेम थोड़ा लूज होता है, फिर तुम्हारा मुंह और तुम्हारी टाई, तुम दोनों नजर आओ हीरो की तरह। हाँ, इसके बाद जो है फ्रेम थोड़ा लूज होगा और फिर जो है ये पूरा हाफ पोर्शन का नजर आएगा। आधी बॉडी यानी कि टिट, टिट कोट के साथ फ्रेम थोड़ा और लूज होता है। अब होता क्या है, तुम्हारा पूरा फिगर नजर आ रहा है। वाह 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 तारा भाई वाह। और तेरे एक हाथ में एक बड़ा सा बांस। तारा भाई, ऊपर गंडासा लगा हुआ है, गटर के पास खड़ा हुआ तू। तारा भाई, मैंने नहीं ऐसा रोल करना। अबे तुम मजाक भी नहीं समझते है। अच्छा भाई बात सुन, कोई खुली जगह पे ले चल यार। किस लिए? अबे रिहर्सल के लिए यार। तो तारा भाई, ये लॉन ठीक रहेगा उसके लिए? बेहतरीन है, चलो आए आए तो जो है रिहर्सल करेंगे। हाँ, ये पौधों में पानी देगा। आ जाओ आए जब काकत करती मुंह देखता इन दिल की आंखें धड़कन उसकी। ओ क्या रट्टा लगा रहा है बुजुर्गो जी। और डायलॉग कुछ ही हुआ, मैं बताता हूँ। जब तुम्हें देखता हूँ तो वक्त थम जाता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, आंखें तुम्हारे चेहरे पर मुंजमिद हो जाती है। शाबाश। ओए ये पकड़ो, उसके हाथ से पकड़ो। अब बोलो। बगैर पड़े हुए कैसे बोलो? अब बोलो। मैं जब तुम्हें देखता हूँ ना, तब मेरे दिल की धड़कन रुक जाती है, बीपी हाई हो जाता है, समंदर का पानी जम जाता है। और समंदर का पानी और डायलॉग बोलने, मौसम का हाल नहीं बताना। यही लिखा हुआ है। अबे लिखा ये है, जब तुम्हें देखता हूँ वक्त थम जाता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, आंखें तुम्हारे चेहरे पर मुंजमिद हो जाती है। लिखा है। तारा भाई किससे? मशूक से। तो ये तो आपने पहले नहीं मुझे बताया। क्या नहीं बताया? यही कि ये जुमले जो हैं, ये मशूक के साथ बोलने। तो आप तो पता लग गया। अबे रेडी जी, दौड़ जा। अच्छा जी, बात सुना है, किधर जा रहा है? आपने कहा दौड़ जा। अबे रेडी है ना? जी। चल शुरू हो जा। जब मैं तुम्हें देखता हूँ मेरे दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, मेरी आंखें जो हैं वो मंजमद हो जाती हैं। कट कट कट। तुझे डायलॉग बोलने के लिए कहा है, बसों में मंजन बेचने के लिए नहीं कहा है। फील लाओ, फील उसमें फील डालो। अभी फील डालता हूँ, अभी फील डाल। ओए फील की है? तू सिर्फ एक काम कर, तू जाके सुई में धागा डाल। अबे बोल दे खुदा के लिए। अच्छा जी अच्छा, मैं जब तुम्हें देखता हूँ फील, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं फील, आंखें तुम्हारे मुंह पे मुंजमिद हो जाती हैं फील। कट कट। अबे जब फील नहीं ला सकता तो तू फेल है। तारा भाई, मैं समझाता हूँ। तू समझाएगा इसे? नहीं भाईजन को, भाईजन चल इसको समझा, वरना तू समझता है ना मुझे। फिर भाईजन, आप माशू को देखने के बाद क्या फील करते हैं? खुशी। हाँ ये तो आप बहुत खुश हैं, ये वाली फीलिंग, खुशी वाली, खुशी। मैं समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। चल भाई शुरू हो जा। मैं जब तो मैं देखता हूँ खुशी, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं खुशी, वक्त रुक जाता है फिर मेरी हंसी निकल जाती है और तुझे देख के रोना आता है। कट। ये
क्या? तारा भाई मैंने तो पहले कहा था ये जो एक्टिंग है ना ये मेरे बस का काम नहीं है। इस्माइल तारा नाम है मेरा, इस्माइल तारा। हालत में हाथ डाल के एक्टिंग निकाल लूंगा मैं। तारा भाई सामने मशहूर होगी तो मैं डायलॉग बोलूंगा ना। फर्ज कर ले मैं मशहूर हूं। हां फिर से मेरी सची मुझे हंसी निकल जानी। भजन भजन एक मिनट आप फर्ज करें कि मैं मशहूर हूं ठीक है ना, आप मुझसे रोमांटिक हो जाए। अरे कठिया इंसान तुम्हें देख के ना मेरा सिर्फ बीपी आई हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। आपको मशहूर चाहिए? हाँ दो तीन। मेरा मतलब है जब सामने सिर्फ नाजुक हो ना खूबसूरत हसीना तो खुद ब खुद डायलॉग निकलते हैं अंदर से। नहीं तारा भाई नहीं, मैं इतने बेहुदा डायलॉग ना अपनी प्यारी शगुफ्ता के सामने नहीं बोल सकता। अरे बोलिए ना अशरफ, हम बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे। शगुफ्ता मैं जब तुम्हें देखता है ना मेरी प्यारी शगुफ्ता तो मुझे माँ जी याद आ जाती है। माँ जी याद आ जाती है? दिल की धड़कने तेज हो जाती है, माँ जी का ना बीपी याद आ जाता है मुझे। अबे डुगडुगी में हर वक्त तू माँ जी करता रहता है और यहाँ भी माँ जी आएगी। हणे गया ते हणे आया ये भी कहता हूँ। फिटे मुँह आपका। तारा भाई माइंड नहीं करना, ये हम यहाँ बीवी है ना बहुत बेतकल्फी है बिस्ती की। और तुझे खुदा का वास्ता यार कर दे यार, लंच का टाइम हो गया है। लंच का टाइम हो गया? ये तंदूर से खा के आए मोड़ वाले से। अरे तारा भाई लंच तो बिल्कुल तैयार है। हाँ। तारा भाई आपको आपके घर वाला मजा मिलेगा यहाँ। यहाँ भी घर वाला मजा? हाँ? चलो चलिए आइए 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 आइए, ये बिल्कुल तैयार है। ये तारा भाई तारा ये अच्छा ये बताओ कि आपको अशरफ कैसे लगा? जबरदस्त मस्त, बिल्कुल घर जैसा जाएगा खाने का। मैं अशरफ की बात कर रही हूँ। पास खाना? अशरफ पास हो गया। शूट कब है? शूट कल था। तारा भाई वो कल जो गुजर गया? नहीं नहीं वो कल जो आने वाला है। फिर तुमने ये था का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? वो माजी असल में बात अभी ये है कि वो मेरा 10 लाख का चेक जो है ना वो बाउंस हो गया। चेक से शूट का क्या ताल्लुक है? अबे पैसा तेरा बाप लगाएगा। मुझे तो लगता है कि शूटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। क्यों? भाभी मैं हाथ के हाथ पेमेंट करता हूँ, मैं नबील जैसा रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। क्यों भाई? आजकल कैश पे काम होता है ना, तो 2 लाख अगर कहीं से अरेंज हो जाए तो शूट हो सकती है। बेगैरत कटिया इंसान। जी माँ जी। मैं उसको कह रही हूँ कटिया इंसान, तू चुप कर। माँ जी कहता है? माँ जी आपको सब माँ जी कहते हैं, तो मैंने भी माँ जी कह दिया, इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है? तू मुझसे 2 लाख रुपए नहीं मांग सकता था। असल में आप ही से मांगना था, इसलिए तो माहौल बना रहा हूँ माँ जी। अरे फिर ठीक है, मैं ना फिर ये बेगैरत कटिया इंसान के लफ्ज जो है ना वापस ले लेती हूँ। लो भाई अशरफ तू तो बन गया हीरो। शुक्रिया माँ जी। है बेगैरत कटिया इंसान, माँ जी भी कहता है और ऊपर से शुक्रिया भी अदा करता है। सॉरी। अरे अब अशरफ भट्ट को अशरफ खान बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये! माँ जी शाम होने वाली है, फिर रात भी हो जानी है। रात भी। वो इस्माइल तारा को फोन कर। फोन किया माँ जी, उसका फोन बंद है। हाँ मैंने ना राणा रिजवान के असिस्टेंट को फोन किया है। वो उसका मैनेजर है? नहीं वो इस्माइल तारा का मैनेजर नहीं, इस्माइल तारा के मैनेजर का दोस्त है, बस आता ही होगा। कौन है? ओए फैजी और क्या खबर लेके आए हैं? अशरफ भाई मैंने मालूम किया है, इस्माइल तारा साहब तो 1 महीने से अमेरिका में और मजीद 2 महीने वहीं रुकेंगे। तो फिर वो कौन था? डुप्लीकेट। माँ जी इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक दफा फिर लुट गए।